मनुबा एक चरवाहा था। उसके पिता ने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी थी। मनुबा उन भेड़ों को लेकर प्रतिदिन गांव से दूर चराने ले जाया करता था। एक दिन मनुबा बड़ी सड़क के किनारे वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से घास चर रही थीं। मनुबा अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा था और कुछ सोच रहा था। उसने पंख लगा टोप पहन रखा था। अचानक उसने अपनी छड़ी एक ओर फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। फिर ऊंची आवाज में वह बोला, मैंने पहेली बूझ ली। इतना कहकर उसने अपना टोप हवा में उछाल दिया। ठीक उसी समय एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहा था। उसका घोड़ा न जाने क्यों टोप को देखकर या फिर मनुबा की आवाज सुनकर डर गया। डर के मारे वह रुक गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्ला कर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़े नहीं चरा सकते? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, मनुबा बोला। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? तुमने अपना टोप इधर क्यों फेंका? घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था। अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? क्योंकि मैंने पहेली पूछ ली, मनुबा ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं आपको बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? नहीं डांटूंगा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। वह क्या वस्तु है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गे से छोटी भी? मनुबा ने कहा। घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली पूछ ना सका। उसने हार मानते हुए कहा, अच्छा भाई, अब तुम ही बता दो कि वह क्या वस्तु है। जनाब, यह टोप। टोप मुर्गे से छोटा है, पर जब यह पहन लिया जाता है तो आदमी से ऊंचा हो जाता है, मनुबा ने हंसते हुए कहा। अरे, तुम तो बुद्धिमान बालक हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैं इसी रास्ते से एक दिन लौटूंगा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। हाँ, अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। पर याद रखना, भेड़ ना सफेद हो ना काली, ना भूरी हो और ना ही चितकबरी। वह किसी मटमैले रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने मनुबा से कहा, ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी ही भेड़ तलाश करूंगा जैसी आप चाहते हैं, मनुबा ने उत्तर दिया। अच्छा, तो फिर मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। ठीक है साहब, लेकिन आप उसे लेने के लिए उसी दिन आए जब वह सोमवार का दिन ना हो, न मंगलवार हो, न बुधवार हो, न बृहस्पतिवार हो, न ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार हो। आप किसी और दिन आ सकते हैं। एक बात और, आप जो भी पैसे ठीक समझें, जो भी आपका मन करे मुझे दे सकते हैं, मनुबा ने बड़ी विनम्रता से कहा। घुड़सवार हंसने लगा। मनुबा के उत्तर से वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी सुनहरी बांसुरी उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए भेंट है। मैं बड़े प्यार से यह सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने सुंदर तुम जवाब देते हो, उतने ही अच्छी तरह यह बांसुरी भी बजाओ। लेकिन यह बांसुरी लेकर मैं करूँगा क्या? मनुबा ने कहा। घुड़सवार ने बताया, यह जादुई बांसुरी है। इसे बजाकर तुम जब भी चाहो अपनी आवश्यकता की वस्तु मांग सकते हो। हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि यदि तुमने लोभवश कुछ भी मांगा, उसी पल इसका जादू समाप्त हो जाएगा।
मनुबा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने भी घुड़सवार को एक भेड़ भेंट में दी। घुड़सवार ने प्यार से मनुबा के सिर पर हाथ फेरा और अपनी राह चल दिया।